बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हीट। अच्छा, और हीट में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो मेजरिंग स्केल, एक होता है सेंटीग्रेड, एक होता है केल्विन, एक होता है फारेनहाइट। तीन नाम तो आपके जाने पहचाने। जो फ्रीजिंग पॉइंट है सेंटीग्रेड में वो होता है 0 डिग्री और 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट। केल्विन की अगर बात करो तो 273 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है, 373 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में कितने का डिफरेंस है, 100 डिग्री तक का, चाहे वो सेंटीग्रेड हो चाहे केल्विन। लेकिन 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 फारेनहाइट में ऐसा नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट 32 है और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 200 पर। और ऐसा अगर है तो इसका मतलब डिवीजन में कितने का फर्क है, 180 का। फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट के डिवीजन में टोटल कितने डिवीजन आ रहे हैं, 180। और एक बच्चों जो इंटर की बुक में तो नहीं लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट में आता है, रैंकिंग में फ्रीजिंग पॉइंट होता है 491.67 और बॉइलिंग पॉइंट होता है 671.67। यानी कि रैंकिंग में भी टोटल कितने डिवीजन होते हैं, 180। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान में कितने होंगे, 180। वेरी वेरी